अब यहाँ कंडीशन लिख दिया गया है, इफ यह लिखिए माइनस एच लेस देन एफ पी, एफ पी ग्रेटर देन एफ जी प्लस एच, क्या क्या अब ये तो परिभाषा हुआ। अब इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब बताइए कोण कैसा होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का अर्थ है स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस शब्द से क्या होगा, यानी कि स्लोप जीरो होगा, सी वाई बाई टी एक्स बराबर। इधर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये कैसा एंगल, हम पूछ रहे हैं कैसा एंगल से निगेटिव और क्यूज एंगल। और तीन एंगल का अर्थ हुआ स्लोप निगेटिव होगा, ठीक है। और देखिए इस तरह का आ रहा है कि हम परिभाषा सीख रहे हैं कि यही मैक्सिमम कहलाएगा, तो मैक्सिमम चाहे मिनिमम कहाँ एराइज होता है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक शख्स के पैरेलल होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर पैरेलल होता है उसी पॉइंट पर या तो मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है। अब यह हो गया, अब इसमें कंफ्यूजन है कि या तो मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है एक शख्स के। और अब स्पष्ट कैसे होगा, अगर टेंजेंट अपना चिन्ह बदलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो मैक्सिमम मिलता है, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदलता है तो मिनिमम मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें फिगर कॉन्केव ऑफ हो जाता है। कॉन्केव ऑफ होने का अर्थ हुआ पॉइंट लगातार घटते जाता है, और एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर टेंजेंट एक शख्स के और जो फिक्स पॉइंट पहुंचते जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉइंट पहुंचते जाता है ऊपर, देख रहे ऊपर जाता है, और उसके बाद तो एक पॉइंट आएगा जहां पर टेंजेंट एक शख्स के फिर जो है डाउनवर्ड होना शुरू, घटना शुरू होगा। तो इसमें अब क्या है कि फर्स्ट